वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिरोजाबाद में चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष, एक महिला की मौत, चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र में रविवार को खूनी संघर्ष हो गया। दो पक्षों में चुनावी रंजिश के चलते हुई गोलीबारी, एक महिला की गोली लगने से हुई मौत, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रविवार की देर शाम थाना मटसेना के गांव नरघापुर में गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव में खलबली मच गई। चुनावी रंजिश को लेकर जितेंद्र और धर्मेंद्र नामक पक्षों में गाली गलौज के बाद जमकर राइफल और तमंचे से गोलीबारी हो गई, जिसमें धर्मेंद्र पक्ष के तीन लोगों की गोली लगने से घायल हो गए हैं, जबकि 70 वर्षीय सुशीला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। जितेंद्र पक्ष की तरफ से एक व्यक्ति को गोली लगी है। सभी घायलों को उपचार के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि संदीप नामक व्यक्ति ने सबसे पहले फायरिंग की थी। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस के आला अफसरों ने गाँव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। घायलों के नाम है वीरपाल, उमाशंकर, बलराम और सुग्रीव सिंह है। घटना हुई है, उसने गोली दी थी सामने से। कौन है, कौन था, कहाँ का थाना, कौन है थाना मटसेना, कहाँ कौन सा नरघापुरी डाल। क्या बात हो गई थी? बात गाली तो हुई थी, उसने हम गए थे, उसने गोली मार दी, माताजी खत्म हो चुकी। अच्छा, क्या लोग घायल हुए हैं? क्या क्या लोग घायल हुए हैं? तीन लोग हुए हैं। किसने किसने मारा? संदीप ने। थाना मटसेना में ग्राम नरगापुर की ठार में शाम को 6:30 बजे के आसपास दो पक्षों के बीच आकस्मिक कारण को लेकर एक झगड़ा हो गया, जिसमें पथराव हुआ उनके बीच और क्रॉस फायरिंग भी हुई है। इसमें चार लोग कुछ घायल हुए। पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु रवाना किया गया। जिला चिकित्सालय में एक घायल जिनका नाम सुशीला देवी है उनको मृत घोषित कर दिया गया। शेष तीन उपचाराधीन हैं, उनको समुचित चिकित्सा दी जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था है, पर्याप्त पुलिस बल यहाँ लगाया गया है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। शव मोर्चरी में रखा है, उनका पंचायतनामा की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और शीघ्र दोषियों की गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।